अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। आज मैं डर्मा शैन का रिव्यू दूंगी, पार्सल आ गया है, चलें खोलते हैं इसको। पैकिंग आप लोगों के सामने है, देखें जी क्रीम की पैकिंग खुली हुई है। मुझे तो समझ नहीं है कि ये कितना अच्छा ब्रांड है और ये क्रीम की पैकेजिंग कैसी है। पार्सल खोलते ही मेरा तो मूड ऑफ हो गया था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डर्मा शैन वाले इस तरीके से रफ सी पैकिंग में मुझे पार्सल भेजेंगे। ये क्रीम भी खोल लेते हैं, अब देखते हैं कि अंदर से क्या निकलता है। सो हम लोग खोलते हैं इसको। ये देखें, सबसे पहले तो पैकिंग ख़राब आई, अब डिब्बी भी नीचे से ख़राब है। अब सीरम की भी बहुत सी रफ़ पैकिंग थी, इसका जो सीरम है सीरम भी सारा ख़राब निकला है, नीचे से सारा उसका कलर उतरा हुआ है सीरम का। और ये देखें, ऐसा लगता है जैसे हम बहुत ही पुराना अपना जो स्ट्रोक है ना वो क्लियर किया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एक आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आपके ब्रांड पर ट्रस्ट कर रहे हैं और आपका ब्रांड का एक नाम बन चुका है, चल चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। प्रोडक्ट अंदर से कैसी है उसका मैं रिव्यू नहीं दे रही, मैं इनकी पैकिंग का रिव्यू दे रही हूँ, इनका पार्सल कैसा आया है उस चीज़ का रिव्यू दे रही हूँ। ये देखें सीरम का नीचे से देखें कि कितनी ख़राब बोतल आई है। मैं आपको क्रीम और सीरम की बोतल बार बार दिखा रही हूँ ताकि आप लोग गौर से देख सकें। इसके अलावा इन्होंने 10 दिन के अंदर डिलीवरी की है, तकरीबन 2 से 3 दिन में पार्सल आ जाते हैं। इतनी स्लो और पथेंटिक सर्विस थी इनकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा डर्मा शैन का एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड। क्रीम कैसी है, सीरम कैसा है, इसका रिव्यू मैं दूँगी यूज़ करने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर दें। इस तरह के रिव्यूज़ लेने के लिए और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर रहिएगा। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।